अब हम लोगों ने देखा है बालोतरा जिला, और बालोतरा जिले की बात हमने की कि घोषणा 17 मार्च 2023 को होता है। अब देखिए वही जो अनूपगढ़ जिले की जो घोषणा की गई थी उसी वक्त इसकी भी घोषणा की गई थी, और इसकी जो मंजूरी है वो 4 अगस्त 2023 को रखी गई है। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को होती है और लागू वही 7 अगस्त 2023 को क्या होता है बालोतरा जिला का जो भी लागू होता है बालोतरा जिला बन जाता है अलग, मतलब 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना कहलाएगी। अगर साथियों देखिए उद्घाटनकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो हेमाराम चौधरी थे उस वक्त, और इसको पूरी तरह इसको जो तोड़कर अलग बनाया गया है ये बाड़मेर जिले से इसको तोड़कर अलग बनाया गया है। संभाग, संभाग की बात करते हैं तो ये जोधपुर संभाग में आता है। संभाग किसमें आता है? जोधपुर संभाग में आता है। अब ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये बाउंड्री हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी ये सीमावर्ती है, इसकी बाउंड्री है वो इसमें अगर देखें तो ये 6 जिलों से सीमा बनाता है। हालांकि एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, ना ही तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। फिर ये कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो ये 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। इधर देखिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है, तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये सांचौर के साथ सीमा बनाता है, नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये जालौर के साथ सीमा बनाता है, नंबर 5 की हम बात करते हैं तो ये पाली के साथ सीमा बनाता है, और नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये जोधपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाता है। तो साथियों एक चीज देखिए, ये टोटल 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और एक चीज देखिए यहाँ पे जिला कैसा है, ये पूरा जिला अंतर्वर्ती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। दिशा देखिए राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है, तो यह राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। कौन सी नदी बेसिन में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है, ये लूनी नदी बेसिन में, ठीक है। अगर इसको मैं देखता हूं, अगर हम लोग इसको देखते हैं बालोतरा जिले को, तो ये एक पूरी तरह से मरु जिला है। मरु जिला मतलब मरुस्थलीय जिला है। इसके उत्तर में अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर में, तो ये बालों का मुक्त प्रदेश स्थित है इसके उत्तर में। जैसा कि अपने को पता है कि 41.5% भूभाग पर अगर हम लोग देखें तो बालों का मुक्त प्रदेश पाया जाता है। हाँ, इसके उत्तर में बालिका मुक्त प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 स्थान पर है, पोखरण, सीवाना, फलोदी। अब लूनी नदी बेसिन, इसके दक्षिण में लूनी नदी बेसिन है। अब साथियों पहाड़ियों की बात कर लेते हैं, पहाड़ियां यहाँ इस बालोतरा जिले की पहाड़ी जिसका नाम है 56 की पहाड़ियां, ये इसकी सबसे ऊंची पहाड़ियां कहलाएगी। बालोतरा जिले की सबसे ऊंची पहाड़ियां 56 की पहाड़ियां कहलाएगी, जो समुद्र तल से 37-27 फीट ऊंची है। और अगर यहाँ मुख्यतः अगर बात की जाती है कि यहाँ इन पहाड़ियों में कौन सा खनिज है, तो आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट और राइलोलाइट खनिज के लिए जानी जाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, आगे चलो। नदी की बात की जाती है, इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी लूनी है, लेकिन लूनी की सहायक नदी सुकड़ी भी इसी क्षेत्र में बहती है, जो आपको पता होना चाहिए देवसुरी पाली से निकलती है। जब नदियों वाला टॉपिक देखेंगे तो पूरी डिटेल के साथ इसका अध्ययन करेंगे। आगे आइए, इसका जल बालोतरा, लूनी नदी की अगर बात की जाती है तो बालोतरा तक तो मीठा होता है, लेकिन इसके बाद खारा हो जाता है। और एक चीज सबसे बड़ी रोचक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था और अब आज पढ़ रहे हो, कि बालोतरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक लूनी नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद में खारा होने लग जाता है। इसके बाद में क्या होता है? खारा होता है। और एक चीज क्या ध्यान रखनी है, बालोतरा में ही यह नदी सबसे ज्यादा लूनी नदी प्रदूषित होती है, और प्रदूषित होने का कारण क्या है? रंगाई छपाई का उद्योग यहाँ पर स्थापित है, जिसके कारण ये प्रदूषित होती है। पुष्कर की पहाड़ियों में अगर, अजमेर में स्थित पुष्कर की पहाड़ियों में अगर जोरदार वर्षा होती है तो यही वह बालोतरा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इस बालोतरा, मुख्यतया बालोतरा स्थान की, बालोतरा जिले में मुख्यतया यहाँ इसका जो
बालोतरा स्थान है इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या ऐसी कोई फेमस चीजें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पंचपद्रा झील, जो कि मुख्य बालोतरा जिले में स्थित है। अगर मैं यहाँ पंचपद्रा झील की बात करता हूँ तो इधर आइए आप लोग, देखिए ये खारे पानी की झील है। पहली बात, पंचपद्रा झील का जो निर्माण करवाया था वो पंचा भील ने करवाया था। यहाँ जो नमक प्राप्त किया जाता है वो कोसिया विधि के द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा खारवाल जाति मोरली झाड़ी से नमक का यहाँ पे क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर यहाँ तक की बात हो गई। लेकिन आगे एक चीज आपसे जो क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया, इस पंचपद्रा झील के पास में ही यहाँ पर पंचपद्रा रिफाइनरी लगाई गई। पंचपद्रा रिफाइनरी की अगर बात की जाती है तो ये राजस्थान की तो प्रथम रिफाइनरी है। और देश की अगर बात की जाती है तो ये 26वीं तेल रिफाइनरी है। अगर हम बात करते हैं पंचपद्रा रिफाइनरी की, तो इसका ये किसके सहयोग से स्थापित की गई है, तो देखिए इधर HPCL और राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है। और पंचपद्रा रिफाइनरी में राजस्थान सरकार का सहयोग 26% है और HPCL कंपनी का 76% हिस्सा है। इसका शिलान्यास सोनिया गांधी के द्वारा 2013 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सोनिया गांधी के द्वारा 2013 में किया गया था। और आप आगे देख रहे हो कि दूसरी बार जो इसका शिलान्यास किया जाता है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। बड़ी रोचक बात ये है, और ये 16 जनवरी 2018 को किया गया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के मिश्रण की पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो साथियों वो आपकी यही पंचपद्रा रिफाइनरी है। यहां से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और एक आपसे पूछा जाता है पीपलूद, लघु माउंट की बात की जाती है। मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद नामक स्थान को कहा जाता है। और यहाँ पर हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है, ये भी इसी बालोतरा में है। और इसी बालोतरा की बात की जाती है तो यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला ठीक इसी बालोतरा में यहाँ पर स्थित है। यहाँ तक की बात हो गई। और अगर यहाँ NH परिवहन के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो NH25 और NH325 इसी बालोतरा जिले में स्थित है। यहाँ संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। और यहाँ पर कवास नामक स्थान अगर देखें, देखो संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित था पहले, ठीक है। लेकिन अब ये समदड़ी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर आता है, ये आप देख रहे हैं समदड़ी। और ये समदड़ी प्रेजेंट टाइम पे ये आता है, इसमें आता है बालोतरा जिले में आता है। कवास नामक स्थान भी बालोतरा में ही आता है। और बालोतरा की अगर बात की जाती है, कवास नामक स्थान तो आपको पता होना चाहिए, कवास नामक स्थान जिप्सम के लिए जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें किस पृथ्वी की, अगर इस धरातल की 10 मीटर अगर गहराई पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ कवास नामक स्थान पर जिप्सम की लेयर पाई जाती है, जिप्सम की परत पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पानी का अवशोषण नहीं होता या जल का अवशोषण नहीं होता, जिसके कारण यहाँ आपको पता होना चाहिए 2006 में यहाँ बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए थे। ये वही स्थान है। और एक चीज यहाँ पर इस बालोतरा में देखी जाती है तो अजरक व मलीर प्रिंटर यहाँ पर बालोतरा में ही क्या किया जाता है, छपाई का कार्य ये किया जाता है। अब ये आपका क्या है, बालोतरा जिला है जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चीजें हम लोगों ने क्या कर ली है, कवर कर ली है। आगे क्या पूछ सकता है वो चीज हमने बात करी है। और इसी बालोतरा हेडक्वार्टर पर यहाँ पर नगाना एक स्थान स्थित है। और नगाना पे जो एक मंदिर है स्थित है माता का, जिसका नाम है नागनेची माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और राजस्थान का मेवा नगर नागोड़ा भी यहाँ इसी क्षेत्र में आएगा। तो ये इसके अलावा अब हम लोग इनको लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। और इसके अलावा इनकी एक्स्ट्रा और चीजें हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, जैसे नागनेची माता के मंदिर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज है वो यही है, अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो इस एरिया को आपको जरूर अच्छे से टच करके जाना है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसको।